हुआवे ने फाइनली 2020 में अनाउंस कर दिया था अपना बेस्ट गेमिंग टैब, जो कि 2021 में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जा रहा है बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, हम बात करेंगे हुआवे मेट पैड प्रो के बारे में कि कैसा है ये टैब, क्या क्या है इसमें स्पेसिफिकेशंस और न्यू एक्साइटिंग फीचर्स। अब हुआवे मेट पैड प्रो 2020 में लॉन्च हो गया था मिड में ही, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे रखे गए थे कि 21 में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उनके साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। गेमिंग के लिए हुआवे मेट पैड प्रो एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिवाइस है, लेकिन हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हुआवे MatePad Pro दो वेरिएंट्स में आ रहे हैं, एक है 8GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज में, और एक है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज में। अब यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 8GB रैम वाला वेरिएंट बाय करें, क्योंकि गेमिंग डिवाइस है तो वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर हम अपेयरेंस पे आएँ तो अपेयरेंस काफ़ी ज़्यादा औसम मिल रही है हुआवे MatePad Pro में। आपको फ्रंट साइड पे 10.8 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल रही है, और यहाँ एक बुरी बात है स्क्रीन की कि आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जो प्राइस है हुआवे MatePad Pro की वो थोड़ी सी हाई रखी गई है, मतलब राउंड अबाउट $650 है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन उसके साथ IPS डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। आपको यहाँ पे OLED स्क्रीन या सुपर एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन IPS स्क्रीन गेमिंग के लिए उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। उसके बाद स्क्रीन 1080p है, तो अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप 1080p में वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ हुआवे MatePad Pro में बैक और फ्रंट साइड पे दोनों ही साइड्स पे आपको सिंगल सिंगल कैमराज का सेटअप दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस टाइम आपकी स्क्रीन पे भी आ रही हैं कुछ पिक्चर सैंपल्स जो कि हुआवे MatePad Pro से ली गई हैं, चाहे सिंगल कैमरा ही है लेकिन आपको अमेजिंग पिक्चर और वीडियो क्वालिटी देखने को मिल रही है। जो फ्रंट कैमरा है वो तो है 8 मेगापिक्सल का, और जो बैक कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये मुझे लगी है कि आपको गेमिंग डिवाइस में किरण 990 का चिपसेट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हुआवे MatePad Pro में किरण 990 का चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा चिपसेट है गेमिंग के लिए, 5G सपोर्ट करता है। तो अगर आप सिम वगैरह पे डाटा वगैरह भी यूज़ करेंगे टैब में डाल के, तो हुआवे MatePad Pro में आप 5G को भी इंजॉय कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में 5G की फैसिलिटी है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और किरण 990 गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग चिपसेट है, और ये हमें 2020 में दिया गया था, लेकिन आज भी जो डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं गेमिंग के लिए उनमें भी किरण 990 ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक छोटा चिपसेट है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हीटअप का प्रॉब्लम भी नहीं देता, तो आप चार्जिंग पर भी लगा के फुल गेमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और टैब को चार्जिंग पे बार बार लगाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से हुआवे ने हुआवे MatePad Pro में लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देने के लिए 7200 mAh की बैटरी रखी है, और साथ फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट है। जो चार्जर है वो है 40 watts का, और 0 to 100 विद इन 1 hour चार्ज कर सकते हैं, और 7200 mAh की बैटरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 दिन तक तो टैब चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा अमेजिंग चार्जिंग है। अब अगर हम यहाँ वीडियो के लास्ट पे थोड़े कॉमन फीचर्स के बारे में बात करें, जो कि नॉर्मली काफ़ी डिवाइसेस में देखने को मिलती हैं, कि आपको स्टाइलस का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब एस पेन का भी साथ आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और एस पेन भी मिलेगा अगर आप पिन पैक बाय करते हैं हुआवे MatePad Pro। और उसके बाद क्योंकि पुरानी थोड़ी सी डिवाइस हो चुकी है 2020 की, तो आपको गूगल सर्विस देखने को नहीं मिल रही,
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाना चाहते हैं तो आपको ब्राउज़र में सिंपल जाके चलाना पड़ेगा। गूगल सर्विस कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पे अगर आप जीमेल चलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं चलाना चला सकते। हाँ, आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करके चला सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो अगर आपने कोई ऐसी डिवाइस लेनी है जिसमें गूगल सर्विस ना भी हो, सिर्फ आपने गेमिंग करनी है, तो आप हुआवे मेट पैड बाय करें। लेकिन हुआवे मेट पैड प्रो में वाकई ही कोई गूगल सर्विस डायरेक्टली नहीं देखने को मिल रही है। और उसके बाद जो आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है वो है एंड्रॉयड 10 का सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ मेरे पर्सनल रिव्यू के बारे में बात करें तो अगर आपने एक ऐसी डिवाइस लेनी है जो कि गेमिंग डिवाइस हो आपने और कुछ भी नहीं करना, तो एक आपके लिए हुआवे मेट पैड प्रो बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइस है। लेकिन गूगल सर्विस नहीं है तो आप ऑफिस वर्क वगैरह के लिए तो बिल्कुल भी ना चूज़ करें, क्योंकि आपके किसी काम नहीं आएगी। आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करके कर भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायरस वगैरह और मसले भी आ जाते हैं टैब में अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप YouTube, Gmail वगैरह काफ़ी चीज़ें नहीं इंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।